इमाम हुसैन की याद में दरगाह फातमान वाराणसी से रामनगर से टिंगरा मोड़ जिला चंदौली गोपालपुर होते हुए छोटा मिर्जापुर बरेईपुर करबला तक पदयात्रा हजारों की संख्या में हजरत इमाम की शहादत और उनकी याद में चहलुम मनाते हुए यह दूरी लगभग 17 किलोमीटर का तय किया गया। वहीं पर मुस्लिम और सिया समुदाय की महिलाएं बच्चे बूढ़े भी भारी संख्या में शामिल रहे। वहीं पर अफाक हैदर ने बताया कि इमाम हुसैन इंसानियत को बचाया और इंसानियत की संदेश पूरी दुनिया में कायम किया है। यही कहा कि हम जब तक हैं दुनिया में महफूज रह सकते हैं, एकता और मिल्लत को कायम रखें। आपको यह भी बता दें कि बनारस फातमान लल्लापुरा से सिया समुदाय के लोग पदयात्रा किया। इस पदयात्रा में उन्हें कोई भी परेशानी बरेईपुर करबला तक नहीं हुआ। बनारस से लेकर रामनगर से होती हुई करबला तक जगह जगह खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम भी किया गया था। बरेईपुर करबला के इम्तियाज़ ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी शांतिपूर्वक लोगों ने मजलिस किया। जिला चंदौली से विरोचिफ यासिन खान। हमें रास्ते में न कोई दुश्वारी न कोई परेशानी किसी चीज़ का सामना न करना पड़ा, क्योंकि इमाम हुसैन ने सिर्फ करबला के मैदान में इस्लाम नहीं बचाया है, शरीयत को बचाया है, इंसानियत को बचाया है। आज उसी इंसानियत का पैगाम हम पूरी दुनिया वालों में दे रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। पर्चा जानना चाहेंगे आपका? तहजीबुल हसन कहता हूँ। आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? आज के कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हम लोग इमाम हुसैन की याद में नजफ़ से करबला तक पैदल लोग जाते हैं, यहाँ से ज़ियारत करने इराक में। हम उसी की याद में आज दरगाह फातमान लल्लापुरा बनारस। भारत देश को क्या संदेश देना चाहते हैं आज के दिन का? आज के दिन का भारत देश को संदेश ये देना चाहते हैं, लोगों को एकता के साथ रहना चाहिए और अपने अपने मजहब के प्रति अच्छे कार्य करने चाहिए लोगों को। जी आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। और उनके घर वालों को करबला की सरजमीन पर सर हमारे चैनल के माध्यम से देश के आवाम को क्या संदेश देंगे? संदेश हम ये देना चाहते हैं कि देखिए ये जो मुहर्रम का जो अयाम होता है, ये 11 मुहर्रम का अयाम होता है, यहाँ पर हम लोग जो प्रोत्साहन कर रहे हैं, यहाँ पर मुजरिमों के लिए लोगों के लिए खाने पीने के दौरान कर रहे हैं कि मतलब लोगों को खाना खिलाना खिला के देखें, मतलब उनको जो है अपना इंतजाम करते हैं कि मतलब भाईचारा बना रहे उसमें एक दूसरे से लोग जुड़ते रहें, प्यार में होता है। जी आपसे बात करने की सुविधा आइए बात करते हैं, आज क्षेत्र के कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे मुलाकात करना चाहता है। मेरा नाम कैसा आते को जो मनाया जाता है हमारे इस्लाम में, एक तरह से दुनिया को एक मैसेज हमारे इमाम हुसैन साहब ने दिया कि दुनिया में इस तरीके से लोग को जीना है, लोगों को कैसे कदर करना है, बहुत सारी बातें हैं। मैं टाइम मेरे पास था, अली चाचा से बात करते हैं, ये भी कुछ कहना चाहेंगे पता है। यानी कि हाथों में इस्लाम का झंडा, पैर में उनके छाले थे, 56 मुल्क से फौज से बेहतर 313 वाले थे। इसी के साथ आप बात कर रहे हैं यासीन खान, ब्यूरो चित्रकला।